अभी रिसेंटली एकदम स्पॉटलाइट में आया है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, तो अगर प्लांट ऐसे हो जो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हो तो आदमी मतलब एनवायरमेंट का तो बेनिफिट हो ही है, साथ में लोगों की कम्युनिटी का भी बेनिफिट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगी और एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रोथ होगी। नॉर्मल एग्रीकल्चर में ये है कि वो एनवायरमेंट को उसका फायदा ज्यादा नहीं होता, कम्युनिटी को फायदा ज्यादा लेकिन एनवायरमेंट को ज्यादा फायदा नहीं होता, डिफॉरेस्टेशन होती है ज्यादा तरीके करते हुए, तो अगर एग्रीकल्चर